वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्यारा इंडिया पर। फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में आईटीआई जो एडमिशन होता है उसके लिए प्रवेश परीक्षा होता है, उसके माध्यम से आपको बिहार के जितने भी आईटीआई कॉलेज हैं उसमें एडमिशन होता है। तो उसके लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है कि आपको किस दिन से आपको ऑनलाइन अप्लीकेशन करना है, फिर आपको एडमिट कार्ड कब आएगा और आपका परीक्षा कब होगा, उसके बाद आपको एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। और फ्रेंड, आपको नेक्स्ट वीडियो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है सही से वो वीडियो हम आपको लाएंगे, और जो भी जानकारी हो सिलेबस क्या है और फिर परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है, जितनी भी इससे रिलेटेड जानकारी होगी वीडियो बनाकर हम आपको माध्यम से समझाते रहेंगे। तो इसलिए चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें कि उनको भी ये जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, आप बीसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा तो आईटीआई कैट का यहाँ पे मिल जाएगा आवेदन पत्र, जिसमें आपको यहाँ पे आने के बाद एक पीडीएफ डाउनलोड होगा। इस पीडीएफ में आपको सारी जानकारी दे दी गई है, यह प्रोस्पेक्टस है। तो इसी के माध्यम से हम आपको सारी जानकारी आपको धीरे धीरे आपको समझा कर देंगे, आपको पहले समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे कुछ जानकारी है, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है आपको 5 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट है यानी कि आपका 2 मई 2022 तक आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको जो अगर पेमेंट करना है तो 3 मई 2022 तक पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन में कोई भी अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए आपको गलती हो जा रही है तो आप 4 मई 2022 से लेकर 7 मई 2022 तक उसमें एडिट कर सकते हैं, उसे सुधार कर सकते हैं आपको ऑफलाइन जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे हुए हैं। उसके बाद जो आपका एडमिट कार्ड आएगा 17 मई 2022 को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, और 29 मई 2022 को आपका एग्ज़ाम का डेट रखा गया है, जो कि ये जानकारी है। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क कितना है। तो फ्रेंड, आपको बता दें कि पिछड़ा वर्ग और उन सभी लोगों के लिए समान हो या पिछड़ा वर्ग हो, अत्यंत पिछड़ा हो, उसके लिए 750 रुपये रखे गए हैं। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 100 रुपये रखा गया है। अगर विकलांग हैं उनके लिए 430 रुपये रखे गए हैं। यहां महिलाओं के लिए स्पेशल कोई छूट के लिए बात नहीं कही गई है। तो फ्रेंड, आपको 750 रुपये लगेंगे, अगर आप विकलांग हैं तो 430 रुपये लगेंगे, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से तो 100 रुपये लगेंगे। तो ये आपकी जानकारी है फ्रेंड, और नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी जानकारियां देते रहेंगे। वीडियो एक में नहीं बता रहे हैं कि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।